बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बैंगल्स के डिज़ाइंस। पहले तो आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी इस बात का जो आप लोग मेरे साथ दिए। ये देखिए चूड़ियों का डिज़ाइन है, बैंगल्स ये कांच के हैं, ये मिट्टी के बोलते हैं ना, वो मिट्टी की चूड़ी भी बोलते हैं। ये थ्रेड वाले बैंगल्स है, इसको घर में ही बनाया जाता है। मैचिंग कलर्स जो जिस सूट पे हमको मैचिंग होना होता है उस सूट का हम थ्रेड को सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करके इस बैंगल्स को बनाते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये मैचिंग वाले हम घर पर ही बना सकते हैं, जो चाहे हमें वो कलर के हम इसको सिल्क थ्रेड से बनाया जाता है। तो ये है मेटल बैंगल्स, ये मेटल से होते हैं। ये है ब्रास बेस, ब्रास का है और कोटिंग गोल्ड का, गोल्ड की है। मैक्सिमम बैंगल्स जो होते हैं ब्रास और कॉपर बेस्ड होते हैं, जो अंदर बेस इसका कॉपर या ब्रास का होता है और स्पेशल कोटिंग होती है गोल्ड की। ये अमेरिकन स्टोन्स वाले, अमेरिकन डायमंड्स वाले बैंगल्स हैं। सारे वाइट अमेरिकन डायमंड्स वाले बैंगल्स को ही लाई हूँ आज मैं। तो इसमें देखिए ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे अमेरिकन डायमंड्स हैं, सारे वाइट कलर के। इसको स्टोन्स भी कहा जाता है, रियल नेम तो इसको अमेरिकन डायमंड ही बोलते हैं। तो अमेरिकन डायमंड वाले बैंगल्स भी आज ट्रेंड में चलते हैं ज़्यादातर। तो ये देखिए इसमें भी कई तरह के साइजेस होते हैं, 2-2 से लेकर 2-8 तक होते हैं। तो ये देखिए 1 ग्राम गोल्ड बैंगल्स भी बोलते हैं, जिस पर कोटिंग होती है गोल्ड की और मीनाकारी, मीना वर्क, मतलब जो इस पे कलर वर्क होता है ये मीना वर्क है। इसमें ज़्यादातर रेड एंड ग्रीन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है न। इसको ये प्लास्टिक है, इस पे गोल्ड कोटिंग वाली बैंगल्स हैं, मीना काम के साथ एंड गोल्ड अमेरिकन डायमंड्स के साथ बैंगल्स है ये। देखिए इसमें भी डिज़ाइन है, कलर्स है, हर साइज़ में मौजूद है ये भी। तो ये इसको जोड़ा बोलते हैं, फैमिली जोड़ा। इसके बगैर है ना साउथ इंडियंस में शादियों में या इंडियंस, मोस्ट ऑफ ऑल इंडियंस इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इसमें अमेरिकन डायमंड्स है, ये यूनिक लगा तो मुझे इसको भी लेके आई हूँ। देखिए ये भी है, ये सारे गोल्ड कोटेड बैंगल्स है, जिसको 1 ग्राम गोल्ड वाले बैंगल्स भी कहा जाता है। ये सेट्स होते हैं तो मीना काम के साथ है, नक्काशी इस पे तराशी गई है, छोटी छोटी डिज़ाइंस बहुत बेहतरीन होते हैं। तो इंडिया में इंडियन ट्रेडिशनल के हिसाब से जो भी मैरिजेस होती हैं चूड़ियों के बगैर अधूरी होती हैं, सुहाग माना जाता है। ये सुहाग जोड़ा है, ये प्लास्टिक पे डिज़ाइन है, वर्क है। तो सुहाग का जोड़ा है जो मैक्सिमम रेड कलर के, देखिए ये कितने प्यारे हैं, ये सुहाग जोड़ा है। तो यहाँ पे इंडिया में हर शादी में बैंगल्स को बहुत माने दिया जाता है, सुहागिन की निशानी मानी जाती है। ये देखिए इसमें बिट्स हैं स्मॉल स्मॉल, तो देखिए ये सारे बैंगल्स हैं, हर साइज़ में उपलब्ध है ये। तो इस डिज़ाइन आप जो भी गोल्ड बैंगल्स बनाने जाओगे सुनार के पास, गोल्ड स्मिथ के पास, तो डिज़ाइन चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है कैसे बना लें। तो आप लोगों को बनाने के लिए गोल्ड स्मिथ के पास, सुनार के पास डिज़ाइन देने के लिए ये वाले भी, ये वीडियो भी अवेलेबल रहेगा आपको। इसमें जो भी चाहिए आपको स्क्रीनशॉट मारकर सुनार को दे भी सकते हो बनाने के लिए। तो ये गोल्ड में भी पाया जाता है, ये भी सुहाग जोड़ा ही है। और देखिए इसके बाद ये सारे है ना सिंगल है, सिंगल एक एक ही डाला जाता है और एक एक पहनने वाले, मतलब एक हाथ राइट लेफ्ट ऐसे एक एक ही पहना जाता है। तो ये है सुहाग जोड़ा, इसमें फैमिली जोड़ा भी बोला जाता है इसको, फैमिली। तो इसमें बड़ा वाला चौड़ा सा एक गोट होता है। ये भी सारे बैंगल्स देखिए, ये ट्रेडिशनल है, आजकल यूनिक डिज़ाइन है, ये ट्रेंडिंग में है, जो ट्रेंड चल रहा है ना वो उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, ब्रेसलेट टाइप के हैं। और देखते जाइए आप लोग स्टोन्स वाले, अमेरिकन डायमंड्स वाले बैंगल्स बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। डिज़ाइन हर किस्म का डिज़ाइन लेके आई हूँ मैं बैंगल्स में जो उपलब्ध है,
जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आजकल, उस वाले बैंगल्स के डिज़ाइंस को ही लाई हूँ मैं। तो देखिए, ये कंगन बोलते हैं इसको, ये कंगन है, कंगन बैंगल से ये एक एक पहना जाता है, ये भी कंगन ही है। तो कंगन डिज़ाइंस है ये, किल्सी होती है इसमें ना, साइज एडजस्टेबल, साइज के हिसाब से हम एडजस्ट करके पहन सकते हैं, ऐसे डिज़ाइंस भी है। तो देखिए, ये भी एडजस्टेबल साइज में उपलब्ध है। इस पे काम होता है, कितनी बारीकी से किया जाता है, मीना वर्क है ये। ये कंगन सेट है, देखते जाइए सारे कंगन, बीच में कुछ मोटा वाला होता है और उसके बाद साइड में छोटे वाले होते हैं। ये भी कंगन है, इसको एक है कि सिंगल ही पहना जाता है, ये सिंगल ही पहनने वाले कंगन है ये भी। तो ये सारे कंगन डिजाइन्स हैं, गोल्ड प्लेटेड ब्रास और कॉपर बेस्ड मेटल के गोल्ड कोटेड बैंगल्स हैं ये। हर साइज में, मतलब 2 2 से शुरू होते हैं तो 2 10 तक भी मिल जाते हैं। तो ट्रेडिशनल बैंगल्स है, इंडियन ट्रेडिशनल बैंगल्स, इसके बगैर इंडिया की शादी मानी जाती है अधूरी। तो देखिए, इसका इतना इतना ज़्यादा महान मान्यता दी जाती है कि बैंगल्स को सुहाग की एक निशानी भी कहा जाता है। यहाँ पर विदेश में तो बैंगल्स का कोई इतना ये नहीं दिया जाता है दर्जा, जितना कि इंडिया में दिया जाता है। इसको तो सुहाग की ही निशानी मान ही लेते हैं, बैंगल विदाउट बैंगल तो उसको सुहाग नहीं मानते यहाँ के लोग। तो ये है इंडिया के ट्रेडिशनल बैंगल्स, देखिए इसमें हर साइज में, हर कलर में, हर डिज़ाइन में मौजूद है अभी, और बहुत सारे हैं। ये है अमेरिकन डायमंड्स वाले फैमिली बैंगल्स, इसको फैमिली बैंगल्स बोलते हैं, ये दुल्हन को ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं फंक्शंस में, मैरिज फंक्शंस में मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी है ना, पहले लाक के हुआ करते थे, लाक पे स्टोन को जड़ाते थे, मतलब उसको स्टोन वर्क किया करते थे, डिज़ाइन किया करते थे स्टोन से, ये अमेरिकन डायमंड्स थे। तो आजकल ये लाक की जगह है ना मेटल का ही इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए, ये भी कंगन है, कंगन में भी हर किस्म के, हर डिज़ाइन के, पल्स वाले, मीना काम के एंड गोल्ड प्लेटेड। जो देखिए, ये भी कंगन ही है, सिंगल 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 पहना जाता है इसको, इसको मतलब मैच करके नहीं, सिंगल पहना जाता है ओनली इसको। देखिए अमेरिकन स्टोन्स वाले बैंगल्स के डिज़ाइंस, देखते जाइए, आपको जो भी अच्छा लगा ना वो उसके बारे में मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सीधे आपके घर पहले मिल जाए। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट, और अपने जो भी न्यू है ना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, और इसको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, सहेलियों में शेयर करना ना भूले। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को जो भी डिज़ाइंस देखना है, जिसके बारे में जानकारी भी हासिल करना हो, तो मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसी को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। जो भी हो उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, जिसकी वीडियो आप चाहते हो उसका मैं बना के आपको दे दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।